पाकिस्तान को NSA अजीत डोभाल की बड़ी चेतावनी। पाकिस्तान को डोभाल की चेतावनी के मायने क्या हैं? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को CRPF जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले को एक महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान परस्त हमलावरों के ठिकानों को ध्वस्त कर उस कायराना हरकत का बदला भी ले लिया, लेकिन लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अभी भी उस घटना को भुला नहीं पाए हैं। शायद यही वजह है कि वो पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी देना नहीं भूले। दरअसल CRPF की 80वीं वार्षिक परेड को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी है। डोभाल ने कहा कि देश को मालूम है कि कब कहां क्या करना है। डोभाल ने कहा कि हमने पुलवामा हमले का बदला लिया है, लेकिन हम पुलवामा हमले को नहीं भूलेंगे। इस दौरान पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन 40 जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। राष्ट्र इसको भूला नहीं है। डोभाल ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए समय क्या होगा, जगह कहां होगी, ये तय करने के लिए हमारा नेतृत्व सक्षम है। हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान CRPF के योगदान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा का बहुत महत्व है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 37 देश ऐसे थे जो टूट गए या फिर अपनी संप्रभुता खो बैठे। इनमें से 28 का कारण आंतरिक संघर्ष था। देश अगर कमजोर होता है तो उसका कारण कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा की कमी होती है। इसका दायित्व CRPF पर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत बंटवारे के दौरान CRPF के योगदान की सराहना की। डोभाल ने कहा कि मेरा भी इस यूनिफॉर्म के तहत और भारत की सुरक्षा से 51 साल से जुड़ाव है। इनमें से 37 साल मैं भी पुलिस का हिस्सा रहा। मुझे सेना और पुलिस के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन विविधताओं के चलते CRPF की अपनी विशेषताएं हैं। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने हुई एयर स्ट्राइक को लेकर रणनीति बनाने में अजीत डोभाल का बड़ा योगदान रहा है। इससे पहले भी वो उरी हमले के बाद POK में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे में अगर डोभाल पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं तो पाकिस्तान को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।